हेलो एंड वेलकम टू लक्ष्य जीएस क्रैकर। मेरा नाम है शिवम और मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं आज इंग्लिश ग्रामर। जी हां गाइस, अगर आप एक ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेकर के आया हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, सबसे पहले समझते हैं वर्ब के बारे में। देखिए, वर्ब क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके बारे में भी जरूर जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट मेनली आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो ये रहने वाला है कि वर्ब क्या है, वर्ब हम कैसे समझें, कम समय में ज्यादा चीजों को कैसे समेट सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम है शिवम और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आइए समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पूरे इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, जहां पर आप डिस्कस करते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के बारे में, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं यहां पर डील करने वाला हूं, आप लोगों को समझाने वाला हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं भाई साहब? टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आपने इसके पहले इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब क्या होती है और कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। बस भरोसे के साथ में इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती है, इसके बारे में भी हम डील कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है नाउन। नाउन के बाद जो चीज आती है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन और प्रोनाउन के बाद हमारे पास आता है वर्ब, जिसको आज हम पढ़ने वाले भी हैं। तो इस पे ऐसा करते हैं कि सर्कल एक बना देते हैं, क्योंकि हम इसी को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्ब के बाद आता है हमारे पास एडवर्ब। जी हाँ गाइस, एडवर्ब आता है। और इसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो नंबर 6 पर हमारे पास आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ये सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर हमारे पास आता है एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसके बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। आज का मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा वर्ब के ऊपर, क्योंकि वर्ब का इस्तेमाल पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलता है। आप इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, वहां पर वर्ब के बारे में जरूर जिक्र होता है। तो अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और चीजों को आसानी से हम समझ लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ये है क्या, किस बला का नाम है वर्ब, और इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहां पर एक चीज लिखी है कि भाई वर्ब क्या है। क्या है वर्ब? देखिए, वर्ब एक शब्द प्रकार यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी क्रिया की एक्शन यानी कि अवस्था, स्टेट यानी कि किस अवस्था में, सॉरी माफ करिएगा, अवस्था यानी स्टेट और घटना यानी अकरेंस को दर्शाता है। समझते हैं, जैसे कि आप लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप लिख रहे हैं, आपकी क्रिया क्या है? लिखना। अगर आप डांस कर रहे हैं तो आपकी क्रिया क्या है? डांस करना। अगर आप मान लीजिए कि साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग क्या है? एक तरीके की क्रिया है। ये सभी वर्ब के अंदर आते हैं। क्या सिर्फ यही क्रिया होती है? नहीं, आप देखेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में एक चीज होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तमाम सारी चीजें, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो समझते हैं पहले वर्ब के बारे में, एक शॉर्ट एक डाटा क्रिएट करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उन चीजों को बताते हैं और फिर डिटेल में हम इसके बारे में जरूर जानेंगे। बट आज का ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो ज्यादा चीजें इसमें कवर नहीं हो पाएंगी, बस जितनी हो पाएंगी आपके काम की होंगी। यकीन मानिए कि आप जितना भी टाइम देंगे आपका टाइम खराब नहीं जाएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें निकाल करके इसी वीडियो में मैं रख दूंगा, ठीक है। चलिए, तो भाई वर्ब के बारे में आपने समझ लिया कि एनी एक्शन वर्ड, जो भी एक्शन को दिखाते हैं वर्ड्स, वही क्या होते हैं? हमारे वर्ब होते हैं, वही वर्ब कहलाते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम वर्ब के बारे में। वर्ब को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि वर्ब के दो हिस्से किए जा सकते हैं, दो तरीके से वर्ब को समझा जा सकता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था,
और एक होता है हमारे पास मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी लिखा होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं बच्चे, मेन वर्ब भी कहते हैं। आपने सेंटेंस जब बनाए होंगे, ट्रांसलेशन किया होगा 11th 12th में, तब आपने देखा होगा कि मेन वर्ब के बारे में क्या होता है। अगर नहीं देखा तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी जरूर आपको समझाऊंगा मैं कि क्या होते हैं मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब के बारे में हम थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। हम आज प्राइमरीली डिस्कस करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो हिस्सों में तोड़ करके पढ़ सकते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में तोड़ करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है हमारे पास मॉडल्स। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे? मॉडल्स है। यहां तक बात समझ में आ गई। वर्ब के हमने दो हिस्से किए, कौन कौन से? सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के हमने दो हिस्से और कर दिए, जिसका नाम है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। अब हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में टोटल 13 और 3 यानी कि 16 होती हैं। 13 और 3, मैंने ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 13 तो हमारी मॉडल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इनके बारे में जरूर डील करेंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम तीन हिस्सों में तोड़ेंगे और यही तीन पूरी इंग्लिश ग्रामर में पाई जाती हैं। देखिए कौन कौन सी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को जब हम तीन हिस्सों में तोड़ेंगे तो पाएंगे पहला है बी फॉर्म। बी फॉर्म जरूर लिखेंगे, नहीं तो आप बी को लेकर के कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा है हमारे पास हैव फॉर्म और तीसरा हमारे पास जो होने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डू फॉर्म। ओके, कौन कौन सा? बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड लास्ट वन इज डू फॉर्म। तो आइए अब समझते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स 13 होती हैं, मैंने आपको समझा दिया। कौन कौन सी होती हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे कैन के साथ में कुड को लिख लेते हैं हम, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, इसके साथ में सुड के पेयर को हम याद करके रखेंगे, विल के साथ में हम वुड के पेयर को याद रखेंगे। यहां तक देखिए हमने पेयर्स बना लिए, कौन कौन से पेयर्स बनाए हैं, जैसे कैन के साथ में कुड, मे के साथ में माइट, शैल के साथ में शुड और विल के साथ में वुड, यहां तक चीजें हमने बना ली हैं। अब आगे हम देखेंगे जैसे कि ऑट, ऑट के साथ में नीड का पेयर हम बनाएंगे, जैसे ऑट और ऑट के साथ में हमने पेयर ओ यू जी एच टी होता है, माफ करिएगा, ऑट के साथ में हमने नीड का पेयर बना लिया। किसका बच्चे? नीड का पेयर बना लिया, ऑट के साथ में नीड हो गया। इसी तरीके से एक होता है मस्ट और मस्ट के साथ में हम नीड टू का पेयर बनाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे मस्ट और मस्ट के साथ में हम नीड टू का पेयर बनाएंगे। किसका पेयर बनाएंगे? नीड टू का पेयर बनाएंगे। और इसके बाद एक और इकलौती बस्ती है हमारी डेयर, उसके बारे में हम भी जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो 13 जो मॉडल्स होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये है मॉडल्स, ठीक है। ये जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, नीड, मस्ट, नीड टू और डेयर। काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 मॉडल्स हो चुकी हैं। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं, जैसे बी फॉर्म, हैव फॉर्म या फिर डू फॉर्म। ये है क्या, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं साइड में, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बट यहां पर हम पहले डिस्कस करेंगे बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म क्या होते हैं। देखिए बी फॉर्म के अंतर्गत जो वर्ब आती हैं वो होती हैं जैसे कि इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। इसी तरीके से हैव फॉर्म में क्या क्या आता है? हैव फॉर्म में आता है जैसे कि हैज, देन हैव और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? लास्ट में हमारे पास आ जाएगा भाई साहब हैड। यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसके बाद बात आती है डू फॉर्म की। देखिए डू फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमारे पास डू, जैसे कि डज और जैसे कि डिड, ये क्या होते हैं हमारे डू फॉर्म के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि टोटल 16 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिसमें कि 13 मॉडल्स होती हैं और 3 हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जितनी भी मॉडल्स होती हैं उन सभी मॉडल्स के साथ में हम V1 को फॉलो करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। अगर आपने इसके पहले वर्ब पढ़ा होगा, आपने शायद अपने एकेडमिक्स के दौर में पढ़ा होगा जब आप 11th 12th में थे, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और वर्ब की पांच फॉर्म्स को हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, V1, V2, V3, V4, V5। इसके बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने बी फॉर्म लिखा है, इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर किसी सेंटेंस में बी फॉर्म की कोई वर्ब आ रही है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म को फॉलो करेंगे? देखिए, इसी तरीके से हैज हैव को, हैज हैव हैड अगर आ रहा है किसी सेंटेंस में तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म को फॉलो करेंगे? डू फॉर्म, जैसे डू, डस, डिड आ रहा है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म को फॉलो करेंगे? इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में मॉडल्स का यूज हो रहा है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? ये सारी चीजें हम जरूर डील करेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक, देखिए, अगर कहीं पर वी बी फॉर्म आती है, माफ करिएगा, बी फॉर्म आती है, तो हम इसके साथ हमेशा हमेशा एक चीज फॉलो करेंगे, वो क्या होगी आइए देखते हैं। वो ये होगी, या तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो करेंगे या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम फॉलो करेंगे। याद रखिएगा, हमेशा बी फॉर्म के साथ में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉलो किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो की जाएगी, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से हैव फॉर्म, हैज, हैव, हैड, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, इनके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से जो लास्ट हमारे पास है, डू फॉर्म, डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही फॉलो किया जाता है। आप याद रखिए, ये पूरे इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको एक पनिशिया दिया गया है। पनिशिया मतलब रामबाण, अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम, राइट? ये चीजें हो गई, तो आपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीख लिया। लेकिन जो मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स का क्या? तो कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है भाई साहब, मॉडल्स के साथ में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही फॉलो किया जाता है। यहां पर हमारा मॉडल्स लिखा हुआ था, मॉडल्स के साथ में आप हमेशा V1 को ही फॉलो करेंगे, इसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है मेन वर्ब की। देखिए, मेन वर्ब एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब टोटल 16 होती है, इनके बारे में हमने डील कर लिया, फटाफट बता दिया कि कौन सी वर्ब फॉलो होती, लेकिन मेन वर्ब के साथ में कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मेन वर्ब नंबर्स में बहुत ज्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और हर एक चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने वर्ब के बारे में सीखा कि वर्ब क्या होती है और किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते हैं, चीजों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर के चीजों को कम समय में कैसे हम कवर अप कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक करिए। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।